आज है 29 जुलाई 2024। आज के दिन BHEL शेयर्स में बड़ी अपडेट आ चुकी है और इस शेयर्स की 2 दिन के बाद Q1 2025 की रिजल्ट भी अनाउंस होने जा रही है। उसके पहले ही इस कंपनी से एक न्यूज आ चुकी है। अब वो न्यूज क्या है और इस न्यूज का इस स्टॉक पर क्या असर हो सकता है, ये हम जानते हैं एक्सपर्ट्स की राय से। तो वीडियो पर बने रहिए। के लिए भी आपको बड़े अनाउंसमेंट आते हुए दिखे हैं। और तो वीकेंड 10,000 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला है। ये ऑलरेडी बाजार में खबर चल रही थी बट अब कॉन्फर्मेशन इसकी हो चुकी है। कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए कि इस बड़े ऑर्डर के क्या मायने हैं इस बड़ी कंपनी के लिए। कुशल बताइए। बिल्कुल, तो BHEL के लिए देखिए दीपा, लगातार यहाँ पर बढ़िया ऑर्डर विंस होते हुए दिख रहे हैं जिसके बारे में हम आपको बताऊंगा। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर जो 10,000 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर इनको DVC यानी कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन कोलकाता से मिलता हुआ दिखा है थर्मल प्लांट बनाने के लिए, वो अपने आप में काफी बड़ा ऑर्डर यहाँ पर माना जा रहा है। इनफैक्ट 52 महीनों में यहाँ पर ये ऑर्डर जो है पूरा किया जाएगा EPC बेसिस पर। झारखंड के कोडरमा जिले में ये बनेगा टोटल 1600 मेगावाट का थर्मल पावर स्टेशन। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखिए तो मजबूत ऑर्डर इनफ्लो के साथ करीबन 1,40,000 करोड़ के पार कंपनी की ऑर्डर बुक हो चुकी है। और साथ ही जो अगर आप रिसेंट ऑर्डर विंस देखेंगे तो ये तो DVC की तरफ से 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिला ही था, साथ ही इसके पहले भी 27 जून को 13,300 करोड़ रुपए का इनको DVC से एक और ऑर्डर मिला था। उसके पहले 14 जून को यहाँ पर अदानी पावर से भी करीबन 7,000 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा था। तो लगातार यहाँ पर कंपनी जो है बढ़िया ऑर्डर विंस इनको इनके लिए होते हुए दिख रहे हैं और अनुमानित है कि इस वर्ष वित्तीय वर्ष में यहाँ पर BHEL को करीबन 60,000 करोड़ से अधिक के ऑर्डर्स भी मिल गए। ये एस्टिमेट है बट ऑफकोर्स इस वजह से नुवामा जो है खरीदारी की राय देते हुए 400 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं और साथ ही ICICI सिक्योरिटीज ने भी 370 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर इस काउंटर पर रखे हैं और बढ़िया ऑर्डर विन की वजह से इसी वजह से BHEL आज भी फोकस में बना हुआ है। तो ये आपके लिए BHEL जहां पर रखनी है नजर। एक बार अमरदेव सिंह से भी बात करते हैं जरा BHEL के बारे में। अमर जरा बताएं क्या व्यू रखना चाहिए क्योंकि बड़े ऑर्डर विन मिल रहे हैं, परफॉर्मेंस अभी भी उस हिसाब से नहीं आ रही और अर्निंग्स वैसी भी नहीं अभी जैसे बाजार चाहे, बट कंपनी की ऑर्डर बुक में लगातार हमें स्ट्रांग ग्रोथ दिख रही है। देखिए BHEL की बात करूं तो आपने सही कहा कि कंपनी यदि मैं इसके इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को और एनुअल रिजल्ट्स को देखो तो वहां एक कंसिस्टेंसी हमें देखने को नहीं मिल रही है। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी पर्सपेक्टिव से मैं देखूं होना चाहिए और ये होते हैं 100 रुपए की